सत श्री अकाल, नमस्कार सारिआं नूं। चेतन भारत लर्निंग दे विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां पढ़ांगे पंजाब एंड पार्टीशन दे बारे। तां फरवरी 1947 नूं इंग्लैंड दे प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली एक आदेश जारी करदे होए कहिंदे हन कि हुण जो प्रशासन की वागडोर है वह इंडिया नूं दित्ती जाएगी। इस दे लई लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बन के इंडिया आउंदे हन। पंजाब अते बंगाल की वंड की जानी सी, जिस करके पूरे इंडिया दे विच हड़ताल की गई, ताकि लोगों ने मतलब अपना रोस मुजाहरा किया वंड के खिलाफ। राइट, तो पंजाब नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाना सी, वैसट पंजाब अते ईस्टर्न पंजाब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अते मुस्लिम लीग दोहां ने इस प्रस्ताव नूं मन लिया। राइट, ता जो पंजाब दा वेस्ट पोर्शन सी उत्थे मुस्लिम पापूलेशन ज़्यादा सी, अते पंजाब दे ईस्ट पोर्शन दे विच हिंदू पापूलेशन ज़्यादा सी। इस करके पंजाब नू दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया जाता है। तो पंजाब एंड पार्टीशन, तो मिस्टर क्लीमेंट अटली जो है अपना आदेश जारी करते हैं। राइट, तो बाउंड्री कमीशन बनाया जाता है जून 1947 दे विच। सर साइरिल रेडक्लिफ इस दे चेयरमैन सन। बाउंड्री कमीशन बनाया जाता है ताकि पंजाब दे जो दो पार्ट्स विच डिवाइड किया जाना है उन्हां दी बाउंड्रीज़ नूं निर्धारित किया जा सके कि केड़ा इलाका किधर जाएगा, पाकिस्तान जाएगा कि हिंदुस्तान दे विच रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम जो है वंड वेले इन्नी बुरी हालत सी कि लोगों नूं यह भी पता नहीं सी कि वह इंडिया दे विच ही रहणगे या पाकिस्तान उन्हां नूं जाना पएगा। ठीक है, तो इस कमीशन दे चार होर मैंबर सन, जस्टिस दीन मुहम्मद, जस्टिस मुहम्मद मुनीर, जस्टिस मेहर चंद महाजन एंड जस्टिस तेजा सिंह। तो यू कैन रीड दिस। उस तो बाद पंजाब बाउंड्री अवार्ड जो है अनाउंस किया जाता है 16 अगस्त 1947 नूं। देश दे आज़ाद होने तो अगले दिन इनू अनाउंस किया जाता है। अते इस दे नाल ही जो नस्ली दंगियां दे करके मास माइग्रेशन शुरू हो चुकी सी वो होर भी मतलब तेज़ी जो है फड़ लैंदी है। नस्ली दंगे जो है बहुत होंदे हन हिंदू अते मुसलमानां दे आपस दे विच। राइट, तो 58% एरिया जो है वो पाकिस्तान विच चला जाता है पंजाब दा, जो पहला वाला पंजाब सी, अते 42% एरिया हिंदुस्तान दे विच रह जाता है। राइट, तो ईस्ट पंजाब दे विच दो डिविजन सन, जलंधर अते अंबाला। ठीक है, दो डिविजन रह जाते हैं जिस दे विच 13 जिले आते सन। पहला वाले पंजाब दे विच टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट सन, इन्हां दे विचों 13 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पंजाब दे विच रह गए, भाव मतलब जो हिंदुस्तानी पंजाब सी उस दे विच 13 जिले आते हैं। राइट, तो इन्हां दे नाम तुसी रीड कर सकते हो। तो लाहौर जो कि पहला वाले पंजाब की कैपिटल सी वो हुण पाकिस्तान विच चली गई, तो हुण एक नवी कैपिटल की जरूरत सी। तो नवी कैपिटल चंडीगढ़ तो 1953 दे विच बनती है कैप, तो इस करके टेंपरेरी कैपिटल जो रही 1953 तक वो सी शिमला। ठीक है, शिमला नू टेंपरेरी कैपिटल बनाया जाता है। राइट, तो नेक्स्ट है पेप्सू। पंजाब दे विच मतलब वंड तो पहला पंजाब दे विच दो तरह के इलाके सन, एक जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट दे अधीन सन, अते दूसरे जो कि प्रिंसली स्टेट्स सन। तो वंड तो बाद पंजाब दे विच 8 प्रिंसली स्टेट्स सन जिन्हां नूं कंबाइन करके एक सैपरेट स्टेट बना दी गई, जिसका नाम से पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। मतलब ईस्ट पंजाब दियाँ जो प्रिंसली स्टेट्स सन उन्हां नूं यूनाइट करके एक सैपरेट स्टेट बना दी जाती है। राइट, तो दिस वॉज डन इन 1948। ठीक है, पटियाला इसकी कैपिटल बनाई गई। ठीक है, इस स्टेट की, अते पटियाला दे महाराजा यादविंदर सिंह जो सन इस दे पहले गवर्नर बनाए गए, अते ज्ञानी ज्ञान सिंह राड़ेवाला नूं इसका जो है पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, तो 8 प्रिंसली स्टेट्स के नाम तुसी याद रख सकते हो, पटियाला, नाभा, जीन, कपूरथला, फरीदकोट, मलेरकोटला, नालागढ़ अते कलसिया। ठीक है, इस दे विच तुसी देख सकते हो कि 1948 दे विच पेप्सू जो है अलग स्टेट बनाई गई। उस तो बाद आंदा है 1956 दे विच। 1948 तो 1956 तक पेप्सू जो है अलग स्टेट रहिंदी है। उस तो बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन दी रिकमेंडेशन ते 1956 दे विच पेप्सू नू पंजाब दे ईस्ट पंजाब दे विच ही मतलब मिला लिया जाता है, मतलब कंबाइंड स्टेट ऑफ पंजाब जो है बन जाती है 1956 दे विच। राइट, तो उस तो बाद ट्राइफरकेशन हुंदी है
ठीक है, ट्राइफर्केशन दे विच की हुंदा है कि पंजाब दे जो ई जो साउथ वाला पार्ट हुंदा है जिथे कि हरियाणवी डायलैक्ट बोली जाती है, पंजाबी दा जो हरियाणवी मतलब जो हरियाणवी डायलैक्ट बोली जाती सी वह साउथ पार्ट से विच आते हैं, अते जिथे पहाड़ी डायलैक्ट बोली जाती सी उसनू अलग यूटी जो है बना दी गई सी। ठीक है, तो ये आप अगे पढ़ांगे। राइट, नाउ पंजाब जो है पेप्सो बना दी गई। राइट, एंड उस तो बाद है पंजाबी सूबा मूवमेंट। पंजाबी सूबा मूवमेंट की सी? पंजाबी सूबा मूवमेंट श्रोमणी अकाली दल दी एक मंग सी ताकि पंजाब नू जो है लैंग्वेज दे बेसिस ते डिवाइड किया जाए, पंजाब नू जो है पंजाबी भाषा दे बोलन वाले इलाकों मतलब अलग बनाया जाए, पंजाबी सूबा एक अलग बनाया जाए। तो सरकार इस नू मनन तो कतरा रही सी, सरकार इस नू मनना नहीं सी चाहती क्योंकि पंजाब नू जे लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया जाए, ऑलदो पहला मतलब कि स्टेट्स बन चुकी सन लैंग्वेज के आधार पर, पर पंजाब दे विच ये प्रॉब्लम सी कि पंजाब नू जे लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया जाता तो इसका मतलब सी कि रिलीजन के आधार पर पंजाब नू जो है रीओरगेनाइज किया जाना सी क्योंकि पंजाबी बोलने वाले कौन सन? सिख। तो जे पंजाबी बोलने वाले इलाके अलग किए जाते इसका मतलब सिखा नू अलग एक स्टेट दी जानी सी जिसका मतलब जो कि पंजाब सरकार नहीं चाहती सी, इस करके इस मंग नू मन्या नहीं सी जा रहा। ठीक है, ता लेकिन श्रोमणी अकाली दल दे जो लीडर मेन लीडर सन वो सन मास्टर तारा चंद। ठीक है, उन्होंने पंजाबी सूबा वास्ते बहुत अपने जो है एफर्ट्स किते। ठीक है, तो अखीर पंजाबी सूबा जो है बनाया गया। ठीक है, तो पंजाबी सूबा 1966 दे विच इन्हां दी डिमांड नू जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो एक ट्राइफर्केशन हुंदी है पंजाब दी। ठीक है, इस दे विच जो है हरियाणवी डायलैक्ट वाले जो कि आप पहला करके आए हाँ उन्हां दी सैपरेट स्टेट हरियाणा बना दी जाती है, तो पहाड़ी डायलैक्ट वाले जो होंदे हन उन्हां दे विच यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नू यूटी बनाया जाता है, उस तो बाद वो स्टेट बनता है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 नू यह ट्राइफर्केशन जो है पंजाब दी कीती गई सी अंडर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन, यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, उस तो बाद है कि पंजाब दी जो है कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब ते हरियाणा दोनों दी कैपिटल रही। ठीक है, तो उस तो बाद आप करते हाँ चंडीगढ़, प्राइम मिनिस्टर नहरू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट सी, शिवालिक पहाड़ियों के पैरों के वसया हुआ शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर। ठीक है, चंडीगढ़ जिसनों कि फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने डिज़ाइन किया। राइट, तो चंडीगढ़ का नाम किसते पिया? इत्थे स्थित चंडी मंदिर के नाम तो इसका नाम जो है लिता गया सी चंडीगढ़। राइट, हुण आपां करदे हाँ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की सी? यह अकाली दल दियाँ कुछ मंगा सन, अकाली दल दियाँ कई मंगा सन जिन्हां नूं कि एक रेजोल्यूशन का जो है फॉर्म दे दी गई सी, रेजोल्यूशन का नाम दे दिता गया सी। वो मंगा की सन? एक तो मतलब पहला सी पंजाबी सूबा जो कि पंजाबी सूबा जो कि ऑलरेडी हो चुकी सी, पंजाब जो है अलग हो चुकिया सी, अते इस तो बाद कई मंगा सन जिवें चंडीगढ़ नूं पंजाब दे विच मिलाउणा, इन्हां दी मुख मंग सी, अते होर भी कई मंगा जिवें सतलुज रावी अते ब्यास दे, ब्यास दरिया दे जो दरिया हन ब्यास दरिया दे जो पानी है उन्हां दी वंड वास्ते अलग ट्राइब्यूनल बनाना, क्योंकि हुण तक जो है ये केंद्र सरकार दे अंडर ही सन, तो यह इन्हां दी मंग सी। ठीक है, सिख जो कि पंजाब तो बाहर रह रहे हन उन्हां नूं सुरक्षा जो है यकीनी बनाना, उन्हां दी सुरक्षा नूं। ठीक है, अते होर भी इन्हां दीआं कई मंगा सन जो इंडिया दे गुरुद्वारे हन, इंडिया दे विच जिन्ने भी इतिहासिक गुरुद्वारे हन उन्हां सारिआं नूं जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अंडर लैके आउणा, तां माइनर टेरिटोरियल चेंजेस कुछ जो कि जिस तरह पंजाब दे कई जो पंजाबी बोलण वाले इलाके जिहड़े कि हरियाणा अते हिमाचल प्रदेश वल चले गए सन उन्हां नूं मुड़ पंजाब दे विच लैके आउणा। ठीक है, तां इह इन्हां दीआं मंगां सन जिन्हां नूं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन दा नाम दिता गया। ठीक है, तां इह श्रोमणी अकाली दल ने 12 मैंबरी एक कमेटी बनाई सी, सुरजीत सिंह बरनाला अते गुरचरण सिंह टोड़ा इस दे जो है प्रोमिनेंट मैंबर सन, तुसी नाम बहुत बार सुनिया होएगा। ठीक है, तो 1973 नू इन्हां ने जो है रेजोल्यूशन फ्रेम किया सी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। राइट, तो यू कैन रिमेंबर दिस। उस तो बाद है राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड। राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड
उस टाइम दे प्रधानमंत्री 1985 दे विचे होया सी ता उस टाइम दे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी एंड इस दे जो प्रधान सन अकाली दल दे उस टाइम दे प्रधान सन सरदार हरचरण सिंह लौंगोवाल ता प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ते हरचरण सिंह लौंगोवाल दे विच इह एक जो है अकॉर्ड होया सी ठीक है समझौता होया सी राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड होया सी जिस दे विच भी अकाली दल दियां कई मंगां सन जिस तरह की अपना जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है उसनू इंप्लीमेंट करना उस तरह ही जो दरियावां दे पानी दा मतलब उन्हां वास्ते ट्राइब्यूनल बनाना एंड इस दी इन्हां दी जो मेन मंग सी 1984 दे विच जो एंटी सिख रायट्स होए सन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਸੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ